दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ड्राफ्ट विंडो को लेकर। इसके बाद आरसीबी के ट्रेड प्लेयर, कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11, मुंबई इंडियंस के रिटेन खिलाड़ी और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, और इस टीम के आतिशी बल्लेबाज यानी कि ट्रिस्टन स्टब्स ने अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 28 गेंदों में 72 रनों की आतिशी पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 8 लंबे लंबे छक्के लगाए। तो ट्रिस्टन स्टब के इस प्रदर्शन के बाद मुंबई की टीम इस प्लेयर को 100% रिटेन करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज यानी कि रॉबिन उथप्पा की तरफ से, और रॉबिन उथप्पा ने एक शानदार स्टोरी बताया है, जहां पर उथप्पा ने बताया कि वो आईपीएल 2022 में 13 साल के बाद धोनी के साथ खेलने आए थे। तो ऐसे में वो कंफ्यूज थे कि धोनी को क्या कह के पुकारा जाए। तो यहां पर धोनी ने उनको सिंपली बोला कि आप मुझे माही करके बुला सकते हो, क्योंकि उस टीम में सभी प्लेयर्स एमएस धोनी को माही सर या फिर माही भाई बोलते थे। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस के रिटेन प्लेयर्स को लेकर। तो मुंबई की टीम 4 से 5 बेहतरीन यंग प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, जिसमें नाम आता है डेवाल्ड ब्रेविस का। इसके बाद टीम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स और संजय यादव जैसे प्लेयर्स को ये टीम अपने स्क्वाड में वापस से रिटेन कर सकती है, जहां पर ये चारों प्लेयर्स काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है रवि शास्त्री की तरफ से, और रवि शास्त्री ने सजेस्ट किया है कि एक साल में टोटल 2 बार आईपीएल होना चाहिए और लीग क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए। जिस तरीके से फुटबॉल में लीग को बढ़ावा मिलता है, तो इसी प्रकार से एक साल में 2 आईपीएल होना चाहिए और टीमों की संख्या बढ़ा करके 10 से 12 होना चाहिए। तो आपके हिसाब से रवि शास्त्री का बयान सही या फिर गलत, आप नीचे कमेंट में जोर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है एडम गिलक्रिस्ट की तरफ से, और एडम गिलक्रिस्ट ने हाल ही में बताया है कि जिस तरीके से विदेशी प्लेयर्स आईपीएल में आकर के खेलते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से इंडियन प्लेयर्स को भी फॉरेन के T20 लीग में खेलना चाहिए। यानी कि गिलक्रिस्ट चाहते हैं कि बिग बैश लीग और सीपीएल जैसे टूर्नामेंटों में इंडियन प्लेयर्स को जाकर के पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से इंडियन प्लेयर्स को फॉरेन T20 लीग में खेलना चाहिए भी नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 को लेकर। तो केकेआर की टीम का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 बताएं, तो यहां पर इस टीम के लिए ओपन कर सकते हैं क्रिस लिन और देवदत्त पड्डीकल। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ सकते हैं नीतीश राणा, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवे नंबर पर वेंकटेश अय्यर, इसके बाद छठवे नंबर पर आंद्रे रसेल, सातवें नंबर पर रिंकू सिंह, इसके बाद आठवें नंबर पर सुनील नारायण, नौवें नंबर पर उमेश यादव, दसवें नंबर पर एनरिक नौरखिया और ग्यारहवें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती। तो आईपीएल 2023 के लिए केकेआर का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इसी प्रकार से हो सकता है, जहां पर ये टीम क्रिस लिन और देवदत्त पड्डीकल के रूप में 2 बेहतरीन ओपनर्स को टारगेट करेगी। तो आपके हिसाब से केकेआर का प्लेइंग 11 कैसा होना चाहिए कमेंट में जोर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस टीम के ऊपर अगली वीडियो में प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक कमेंट आएगा उस टीम का प्लेइंग 11 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो जरूर से जरूर कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ट्रेड प्लेयर्स को लेकर। तो आईपीएल 2023 का ट्रेड विंडो बीसीसीआई ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, और ट्रेड विंडो के ओपन होने के बाद टीमें आपस में ट्रेड को लेकर के कन्वर्स
सेशन स्टार्ट कर चुकी है, जहां पर कुछ बड़े प्लेयर्स के ट्रेड के बारे में बात करें तो आरसीबी की टीम रोमन पोवेल को दिल्ली कैपिटल से अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि आरसीबी टीम को अपने स्क्वाड में ताबड़तोड़ बल्लेबाज की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम आता है जितेश शर्मा का, और जितेश शर्मा को मुंबई इंडियंस की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, ताकि मुंबई इंडियंस को कैरन पोलार्ड की कमी महसूस ना हो। लेकिन पंजाब किंग्स के कम चांस है कि पंजाब की टीम जितेश शर्मा को ट्रेड के लिए अवेलेबल कर दे। इसके बाद अगला बड़ा नाम आता है जेसन बेहरेनड्रॉप का, जो कि आरसीबी के लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर है, लेकिन जॉस हेजलवुड के चलते बेहरेनड्रॉप का प्लेइंग 11 में स्थान नहीं बन पाता है, तो इस वजह से आरसीबी टीम इस प्लेयर को ट्रेड के लिए अवेलेबल करेगी। और इस प्लेयर के ट्रेड में करेंटली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इंटरेस्टेड है, क्योंकि चेन्नई की टीम को विदेशी तेज गेंदबाज की तलाश है और जेसन बेहरेनड्रॉप काफी बेहतरीन गति से स्विंग गेंदबाजी करते हैं, तो हाईली चांस है कि बेहरेनड्रॉप चेन्नई के स्क्वाड में ट्रेड हो जाए। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है आईपीएल 2023 के ड्राफ्ट में बिकने वाले कुछ एक्सपेंसिव प्लेयर्स को लेकर। तो कुछ खिलाड़ियों के लिस्ट के बारे में बात करें तो पहला बड़ा नाम आता है बेन स्टोक्स का, और हाईली चांस है कि स्टोक्स आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे बिके, जहां पर इस प्लेयर के ऊपर 14 करोड़ तक की बिडिंग देखने को मिल सकती है और राजस्थान इस प्लेयर को टारगेट करेगी। इसके बाद अगला बड़ा नाम आता है रविंद्र जडेजा का, और जडेजा अगर चेन्नई से रिलीज होते हैं, क्योंकि चेन्नई के साथ जडेजा का मनमुटाव है, तो हाईली चांस है कि जडेजा रिलीज कर दिए जाएंगे। तो जडेजा ऑक्शन में आने पर 14 से 15 करोड़ तक की रकम में बिक सकते हैं और गुजरात इस प्लेयर को टारगेट करेगी। इसके बाद अगला बड़ा नाम आता है सैम करन का, और सैम करन भी ऑक्शन का पार्ट बनेंगे, और इस प्लेयर के ऊपर मिनी ऑक्शन में 10 से 12 करोड़ तक की बिडिंग चलेगी, जहां पर सैम करन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने स्क्वाड में परचेज करने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है डेविड वार्नर की तरफ से, और डेविड वार्नर अपने देश का लीग यानी कि बिग बैश लीग को छोड़ करके यूएई टी20 लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यूएई टी20 लीग के लिए डेविड वार्नर ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 17 करोड़ में साइन किया है। तो इस वजह से बिग बैश लीग को छोड़ करके अब डेविड वार्नर यूएई टी20 लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है आईसीसी की तरफ से, तो आईसीसी के नए अध्यक्ष सौरव गांगुली को बनाया जा सकता है, और काफी हाईली चांस है कि सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट को छोड़ने के बाद वो आईसीसी के अध्यक्ष के तौर पर नजर आ जाए। तो यही था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।